निम्बू स्वस्तिक पार्क में एक ही परिवार के 6 लोग पिछले 3 दिनों से अनशन पर बैठे हैं। रामाश कंस्ट्रक्शन के मालिक पंकज चावला द्वारा धोखाधड़ी किए जाने के कारण इस परिवार को अनशन पर बैठना पड़ा। घर वालों का कहना है कि छाया निवास फ्लोर नंबर 3 की बिल्डिंग तो बन गई है, लेकिन अभी तक धार पवार के घर वालों को पूरा मुआवजा नहीं मिला है। 2011 से उन्होंने बिल्डर ने हमारा जगह लिया है, हमारा पेमेंट भी नहीं पूरा किया है, और अभी हम लोग को ऐसा बोल रहे हैं कि पूरा पेमेंट क्लियर किया है। तो हम लोग ने पेमेंट क्लियर किया है ना, चलो हमने लिया है, हम लोग बोलते चल, अगर तो हमको उसका प्रूफ तो बताना, जो लिया है वो बताना हमको। तू क्यों डरता है फिर सामने आने के लिए, क्यों डरता है? तेरे में दम है तो मैं तो क्या, आज 7 साल उसको बोल रही, तेरे में दम होगा ना तो सामने आके बता, तेरे कान के नीचे दूंगी मैं तो, उसको ये बोलती है वो बिल्डर को। नहीं ऐसे ही बैठेंगे हमको, जब तक हम लोग का मिलेगा नहीं हम नहीं छोड़ेंगे। हम लोग की समस्या ये है कि हम लोग तो 7 साल से बिल्डर ने घर के बाहर निकले, 55 ईयर से मेरे ससुर यहाँ पे रहते थे, हमारे 4 घर, 4 पूरा बंगला था, 4 रूम 2 दुकान थे, और उसने हम लोग को, मेरे हस्बैंड चिपलून में चले गए, तो उसके बाद घर में कोई आदमी नहीं था, तभी ये बिल्डर ने घर तोड़ा है बिगर पेपर का परमिशन दिखा के, और मैं 2 बच्चों को लेके भाड़े के घर में जाके रह गई। जब मेरे आदमी आए तभी बोले एग्रीमेंट दे के, अभी तक एग्रीमेंट नहीं दिए, और अभी 2 साल से मेरा भाड़ा पूरा घर का बंद कर दिया, जब से ये बिल्डिंग तैयार हो गई तभी से भाड़ा बंद किया, 5 साल बराबर भाड़ा दिया, उसके बाद बंद, अभी भाड़ा बंद किया, इसकी वजह से मेरा सामान सब घर मालकिन ने घर बाहर निकाले, 15 दिन से हम लोग रस्ते पे रहे। अगर हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा तो उपोषण तो नहीं टूटेगा, मेरा भले जान जाए यहाँ पे, लेकिन मेरे बच्चे लोग को भी यहाँ पे घर हक से लेने, हम लोग लेने ही वाले, क्योंकि हमारा हक है। वो ससुर ने मेरे खून का पानी करके वो घर बनाया है, ये हम लोग बिल्डर को बचने नहीं देने वाले। प्रथम मी मराठीमध्ये असं बोलू इच्छितो, कारण शासन आहे प्रशासनाला आमचा इशारा आहे समाज पेठमधून, धारपर कुटुंबाला आमच्यामार्फत पूर्ण पाठिंबा असून, जर चावला बिल्डरने यांना जर न्याय मिळून दिला नाही तर आम्ही बिगरेस्टाने आम्ही आमचा हिसका दाखवू। दुसरी गोष्ट म्हणजे या प्रकरणाचा पूर्ण आढावा घेतला असता, अभ्यास केला असता, कारण सन 2007 पासून आजपर्यंत ही लोकं जी ज्यांना जे फसवलं गेलेलं आहे शासनाला आणि प्रशासनाला हे माहीत असून की इनलिगल प्रकारे त्यांचं घर तोडलेलं आहे, इनलिगल प्रकारे त्यांची बिल्डिंग ही बांधली गेलेली आहे। दुसरी गोष्ट म्हणजे स्वस्तिक पार्क हे धार पवार कुटुंब आज नामांकित असून आजपर्यंत त्यांना कोणत्याही प्रकारची पोलीस काढून कुठल्याही प्रकारची दाद भेटली नाही, ह्या प्रकारे आम एक शर्मेची बाब म्हणून मानली जाते। आजपर्यंत आम्ही जे पोलीस स्टेशनला गेलो, चावला नावाचा जो बिल्डर आहे आजपर्यंत कुठल्याही प्रकारचा सामोर आला नाही, त्या चावला बिल्डरला आमच्या संभाजी ब्रिगेडतर्फे एक आता एक हिसका आहे, एक इशारा आहे की जर तो धार पवार कुटुंबाला न्याय मिळून देत नसेल किंवा त्यांची जागा त्या जागेच्या बदल्यात कुठला मोबदला देत नसेल तर आमच्या ब्रिगेडस्टाईलने आम्ही त्यांचा हिसका दाखवू शकतो। जिसके चलते इस परिवार को ये कदम उठाना पड़ा। वहीं वार्ड नंबर 152 की नगर सेविका आशाताई मराठे और वार्ड नंबर 155 के नगर सेवक श्रीकांत शेट्टी भी अनशन पर बैठे घर वालों से मिलने पहुंचे। ये 3 दिन से बैठे नहीं है, ये 2000 से बैठे हैं, 2000 से इनका जर्नी चालू हो गया, 2000 से ये बाहर रह रहे और अभी 15 दिन से तो वो रास्ते पे है। आपको पता है कि जो उनका विकासक है पंकज चावला, उन्होंने उन्हें धोखा दिया है, उन्होंने उनका जगह लिया है, घर तोड़ा है और उनको रास्ते पे आज भेज दिया है। आज उनके हालत बैठने, आज उपोषण करने की क्यों हालत आ गई, उनके रहने के लिए कोई घर नहीं है। बिल्डर से मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन उनकी पहले बैठक पुलिस स्टेशन में हुई है डाल सर के पास, उन्हें 2000 से ये बिल्डर के पास जा रहे, बिल्डर को बुला रहे, लेकिन बिल्डर उनको मिलते नहीं है। बिल्डर का जो है रेड्डी करके उनके सहकारी, वो उन्हें मिलते हैं, लेकिन बिल्डर उनके सामने आता नहीं है, इनकी बात सुन के नहीं ले रहा है। आज इनकी यह हालत है कि ये रास्ते पर रह रहे हैं। आज देखिए, एक लड़का 10वीं में है, ये लड़की 14वीं में है, आज 19 साल की लड़की बाहर रास्ते पर रह रहे हैं, कैसे हालत है उनके आप देखेंगे, उसको आँख में आंसू उनके काफ़ी, क्या बताओ, मेरे को देख के इतना ये हो रहा है कि मैं, ऐसा लग रहा है कि मैं मेरे घर में जाके उनको रोकूं, लेकिन मैं ये कर नहीं सकती, क्यों कि आज ये लड़ाई है। हमारे अंबेडकर साहब ने, आदरणीय अंबेडकर जी ने हमें बताया है कि संघर्ष करो, और संघर्ष करने के बाद ही हमें ये अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, तो हमें लड़के उनसे उनका न्याय मिल के देना है। हम लोग तो, मैंने जैसा कहा कि जो घर की हालत है तो आम आदमी भी देख के कहेगा कि इनके ऊपर अन्याय हो रहा है,
और जो इस तरह से उनका अनशन जारी है, वो अनशन में पूरा दलित समाज उनके पीछे है, क्योंकि धार पावर फैमिली को ऐसा कोई नहीं है। जयपुर तो बात छोड़ दो, लेकिन पूरा मुंबई महाराष्ट्र पूरा जानता है धार पावर फैमिली को। और आज उनके पश्चात जो उनके जो फैमिली के ऊपर जो अन्याय हो रहे है, बिल्डर ऐसा कभी नहीं समझे कि उन लोग अकेले है, पूरा समाज उनके पीछे खड़ा रहेगा और साथ साथ में मेरी जो ताकत है वो पूरी तरह उनके पीछे रहेगी, क्योंकि मेरा फैमिली उनसे बहुत संबंध अच्छे है और शुरू से हम लोग एक साथ रहे ले, इसीलिए पूरी ताकत के साथ हम उनके पीछे रहेंगे। जहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ उन लोग मेरे को याद करे, मैं उनके पीछे रहूँगा। वहीं जब CEN न्यूज़ की टीम ने इस सारे मामले पर बिल्डर से बात की तो इस पर बिल्डर ने क्या कहा, आइए जान। हेलो, परामर्श कंस्ट्रक्शन। हाँ जी, पंकज चावला जी बोल रहे हैं। हाँ जी सर, हम SN न्यूज चैनल से बोल रहे हैं और CN न्यूज चैनल, ये दोनों के तरफ से मैं बात कर रहा हूँ, विक्रम सिंह एडिटर, टेप एडिटर। आपसे कुछ बात करना था सर। बोलिए सर। ये जो आपके जगह पे आमरण उपोषण चल रहा है, इसके बारे में आपसे कुछ जानना था हमें कि जो उपोषण चल रहा है, ये उपोषण किस वजह से चल रहा है? आपके बारे में कहा जा रहा है यहाँ पर कि आपने मतलब उनके ऊपर अन्याय किया, उनका घर वगैरह बंगला तोड़ के आपने उनको कुछ रकम देने का और फ्लैट देने का वादा किया था, जो आप अपने वादे पे खरे नहीं उतर रहे हैं। तो सर एक काम कर लो ना, जो ये किया था एग्रीमेंट का कॉपी ले लो, 75 लाख का था, 70 लाख दे चुके, अभी 5 लाख का वो NOC लेकर आने वाले हैं। आज तक NOC आया नहीं तो क्या कर देगा, वो भी दे देगा। ओके, आपने उनको 70 लाख दिया ऐसा आपका कहना है? कहना नहीं है सर, डॉक्यूमेंटेड है। ओके ओके, तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स रेडी है सर? वो 70 लाख दिए, सब कुछ रेडी है, सब कुछ रेडी। CCP के सबके पास लेटर भी गया हुआ है, आप नीचे यहाँ से भी देख लीजिए, पुलिस स्टेशन से भी लेटर ले लीजिए। ओके सर, तो DCP पास आपके पास आपने भेजे? सबके पास सब लेटर गए हुए सर। ओके ओके सर, तो आपका आपका क्या कहना है? अगर जैसे कि आप, मैंने सुना है उनका कहना है कि आपने कहा है कि हमारे पैसे आप रिटर्न कर दीजिए, मैं हम आपकी जगह आपके हवाले कर देते हैं। ऑफकोर्स, तो व्यवहारिक है ना। ओके, तो आपका आपके पूरे डिटेल्स में चेक के साथ हैं सर वहाँ पर? सब कुछ मिल जाएगा सर आपको। नहीं, अभी जो मैं अभी DCP साहब के पास जाता हूँ तो वहाँ पे वो पूरा चेक के मतलब डिटेल है क्या पूरे? फिर वो आपका न्यूज चैनल वाले आपको जो छापना चाहती है, कोई बात नहीं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, आप कीजिए। ओके सर, थैंक यू। हमारा है तो कोर्स मैटर सब्जेक्ट है कोर्स में, करो आप। ओके सर, थैंक यू सर।